जिला कांगड़ा जूडो संघ द्वारा नूरपुर में एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जूनियर, सीनियर व कैडेट प्रतियोगिताएं करवाई गई। जूडो प्रतियोगिता के समापन मौके पर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला कांगड़ा जूडो संघ द्वारा नूरपुर में एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में नूरपुर ब्लॉक की लोहारपुरा पंचायत के 20 बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इनमें से 7 बच्चों ने गोल्ड, कुछ सिल्वर और कुछ बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लोहारपुरा पंचायत के बच्चों के कोच बलविंदर ने कहा कि लोहारपुरा पंचायत से 20 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सभी ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं ना होने के चलते कई बार ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सुविधाएं मिल जाएं तो बच्चे राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर गांव के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज हम नूरपुर जो कि एसोसिएशन जूडो एसोसिएशन ने नूरपुर खेल जागो खेल में जो कि टूर्नामेंट करवाया, जिसमें हमारे 20 बच्चे जो कि पार्टिसिपेट किया, जिसमें 7 गोल्ड मेडल लेके और बाकी के बच्चे हमारे जो कि सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और हम स्टेट के लिए तैयारी करेंगे, जो कि हमारा स्टेट होगा शिमला। हम सरकार से रिक्वेस्ट, माननीय राकेश ठाणिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं कि हमें फैसिलिटी दें, जिसके कि हमारे बच्चे जो हैं कि बिना फैसिलिटी के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में विनर होते हैं। हम अगर हमें पूरी सुविधा दी जाए, इसके वजह हम हमारे गांव के हमारे नूरपुर तहसील के बच्चे जो कि हैं इंटरनेशनल खेल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी ना होने की वजह से कि हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। अभी बिलासपुर में देख लो कि हर गांव में मैट है, हर तरीके की फैसिलिटी जो किया है कि गांव को दी जाती है, लेकिन हमारे गांव में हमारी तहसील में भी कहीं भी ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जैसे कि हमारे बच्चे जो कि ट्रेंड हो सके। बच्चों में बहुत ही ज्यादा हुनर है। युवा खिलाड़ी सूफिया ने इस मौके पर कोच बलविंदर का आभार व्यक्त किया और कहा कि कोच बलविंदर की वजह से उन्होंने जीत हासिल की है। नूरपुर गए थे जहाँ पे हमने जूडो एसोसिएशन में गेम थी, जो यहाँ से देवरा डी से गए थे सभी लोहारपुरा पंचायत से, और जिनमें से 20 बच्चे गए थे, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल हैं और बाकी बच्चे सिल्वर मेडल से। और हम अपने कोच का भी धन्यवाद करेंगे जो अगले गेम के लिए अब शिमला जाएंगे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।